नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शाहिल। आपने लॉगिन किया है इंडिया समाचार। अगर आपको हमारी टीम की मेहनत पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कर हमें और हिम्मत दें। धन्यवाद। आगरा मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला क्षय रोग अधिकारी ने आगरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि क्षय रोग टीबी एक गंभीर बीमारी है जो लंबे समय से जन समस्या के स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है। ये बीमारी 21वीं सदी के लिए भी एक गंभीर चुनौती है। सभी ने पूरे विश्व में लगभग 14 लाख लोगों की मृत्यु प्रतिदिन टीबी बीमारी से होती है, जिसमें से अकेले 4.8 लाख हमारे देश के ही हैं। विश्व के टीवी मरीजों को जनसंख्या का एक चौथाई हिस्सा भारत में पाया जाता है। भारत टीवी मरीजों की संख्या का पांचवां उत्तर प्रदेश राज्य में है। वर्ष 2017-18 से सरकारी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में 26,19,007 टीवी मरीजों का पंजीकरण हुआ तथा निजी क्षेत्र के अनुमतित 2 गुने से अधिक टीवी के मरीजों होने की संभावना है, जिसका सरकारी क्षेत्र में पंजीकरण नहीं हो रहा। इन गंभीर चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय भारत सरकार ने टीवी मरीजों को वर्ष 2025 तक टीवी रोग को समाप्त करने के लिए मुख्यतः इसे लक्ष्य के रूप में रखा है। राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुसार उत्तर प्रदेश में बीमारी को वर्ष 2025 तक समाप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तृतीय चरण आगरा के साथ अन्य 75 जिलों में 4 सितंबर 2018 से 14 सितंबर 2018 तक सक्रिय क्षय खोज अभियान चलाया जा रहा। इस अभियान के अंतर्गत स्वास्थ्य कर्मी दल घर घर जाकर संबंधित टीवी मरीजों की खोज करेंगे और समय पर लक्ष्यों को सही पहचान टीवी पर जीत बनाएंगे और भी आसान टीवी का अधिग्रहण और पूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है। कार्यक्रम में जिला क्षय रोग अधिकारी आगरा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा, जिलाधिकारी आदि उपस्थित रहे। का भुगतान किया जाना होता है और इसमें हमारे पोर्टल पे 2050 रोगी ऐड हो चुके हैं, जिनमें से लगभग 1800 रोगियों का भुगतान 500 कैमरा फेस करते में जा चुका है। जी 4000 ऐसे मरीज हैं कि जो प्राइवेट डॉक्टर्स के यहाँ इलाज ले रहे थे, उनका नोटिफिकेशन प्राइवेट डॉक्टर्स द्वारा विभाग को दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है, फ्रेस केस ही नहीं है, इसमें MDR HDR के भी केसेस हम लोगों को मिल रहे हैं, क्योंकि जब से हमारे यहाँ ये सी बी नेट की मशीन आई हुई है, तब से लोगों में एक नई मशीन को लेके एक बहुत ही जागरूकता है और उनमें एक ऐसा है कि अट्रैक्शन है विभाग की तरफ आने का, तो उससे हमें काफ़ी कुछ सुविधा इसमें मिली है फाइंडिंग्स में, और उसमें इनकी जो खोज है उसमें एक नया अध्याय हुआ है सी बी नेट। हाँ बिल्कुल, वो भी टीवी जो आता है इसमें जुड़ी हुई है, और चूँकि जो फेफड़ों वाली टीवी है वो अक्सर जिसका परसेंटेज काफ़ी कुछ समाज में मिलता है, मगर जो अन्य तरीके की टीवी है उसके लिए भी हम लोगों का विभाग पूरी तरह से जो आता है उस पर भी नज़र रखे हुए हैं और उपचार भी है। हमारे यहाँ आज जो टॉपिक है वो एक्टिव केस फाइंडिंग का है टीवी में। हमारे यहाँ पिछले साल 4 राउंड हुए थे एक्टिव केस फाइंडिंग के। एक्टिव केस फाइंडिंग में क्या होता है कि हमारी टीम जाती है घर घर और हर मेंबर को चेक करती है, अगर किसी को टीवी के लक्षण मिलते हैं तो उसकी जांच होती है और जाँच में अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो उसका इलाज होता है। हमारा टारगेट है 2025 तक इंडिया को टीवी फ्री करने का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का टारगेट है, और उत्तर प्रदेश में आगरा में हमारे पास ये जिम्मेवारी है कि हम इसको ख़त्म कर देंगे। इसके लिए पिछले साल 4 राउंड हुए थे, उसमें 414 केस हमें मिले थे पिछले साल, जिनका ट्रीटमेंट हमारा शुरू हो चुका है। इस साल ये दूसरा राउंड है
पहले राउंड में 148 टीबी के पॉजिटिव केस पाए गए थे। सेकंड राउंड में अब हमारा 4 तारीख से स्टार्ट है, इसके बारे में हमारी आप लोगों को सबको जानकारी देनी थी, आपके माध्यम से आगरा की जनता को पता चले कि हम लोग टीबी के केसेस ढूंढ रहे हैं, टीबी के बारे में जागरूकता पैदा हो ज़्यादा से ज़्यादा, इसलिए आप लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। सर, इसमें ये योजना थी कि जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं वो भी सपोर्ट करेंगे अपने केस, वो भी देंगे, तो ये बिल्कुल केस है, ये सारे आपके ढूंढे हुए या उन्होंने भी इसमें दिए? नहीं, ये तो एक्टिव केस फाइंडिंग ये हमारा प्रोग्राम है, इसमें प्राइवेट डॉक्टर्स का रोल नहीं है, लेकिन प्राइवेट डॉक्टर्स का रोल इसमें बहुत बड़ा है। वो ये कि जो पेशेंट प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं अगर उसमें टीबी मिलती है तो वो हमें नोटिफाई करेगा, उस केस को हम अपने पोर्टल पे लेंगे और उसको फॉलोअप हम लोग करेंगे। अगर वो पैसे की कमी की वजह से या किसी और वजह से उसका ट्रीटमेंट प्राइवेट से नहीं ले पाता है या वहाँ पर जाँच नहीं करवा पाता, वो हम उसको कंटिन्यू करेंगे, हम अपने स्तर से कंटिन्यू। धनराशि भी आने के बाद भी तो अभी तक लगभग कितने लोगों को इशू हो रही है? इसमें ऐसा है, एक काम करो, अब ये